हेलो नमस्ते, जय हिंद। अर्थ इंटीरियर यानी कि अर्थ के अंदर वाले पार्ट के बारे में स्टडी करेंगे, यानी कि पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में पढ़ेंगे। आंतरिक भाग का मतलब, आंतरिक का मतलब अंदर, ठीक है। जैसे ये हमारा बॉडी है ऊपर का, और बॉडी के अंदर क्या होते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक, बहुत सारी चीज़ें होते हैं, हर्ष होते हैं, ठीक है, दिल होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होते हैं ऐसे, ठीक है। ठीक उसी तरीके से हम अर्थ इंटीरियर, अर्थ के अंदर के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। अब बात ये है यार कि अर्थ के बारे में हम लोग स्टडी कैसे करें, ठीक है। हम लोग रह रहे हैं इस धरती पर, ऊपर रह रहे हैं, और नीचे के बारे में जानकारी, दैट्स इम्पॉसिबल। लेकिन हमारे साइंटिस्ट ऐसे ही तो हार नहीं मानने वाले, उन्होंने कहा था कि नहीं, मैं तो इस धरती के अंदर जाऊंगा ही जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। जो जियोग्राफी के जो साइंटिस्ट थे, जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या कहा था कि हम तो धरती के अंदर जाएंगे ही जाएंगे। अब देख लीजिए ज़रा यहाँ पर, ये हमारा रेड कर लीजिए कि अर्थ है, ठीक है। और अर्थ का रेडियस पता है कितना है, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक रेडियस है हमारा 6378 किलोमीटर, इतना है। 6000 कितना है बाबू, 6378 किलोमीटर, इतना है ज़्यादा, लेकिन बहुत ज़्यादा है यार। 1000 किलोमीटर समझ रहे हो, यहाँ से बिहार 1000 किलोमीटर, तो यहाँ से बिहार, फिर यहाँ से बिहार, यहाँ से बिहार, यार 6 भाग में, और उतना गड्ढा करना, दैट्स इम्पॉसिबल। तो एक जगह है आर्कटिक ओशन, आर्कटिक ओशन आप लोग जान रहे हो, आर्कटिक ओशन वहाँ जगह है, वहाँ के कोला एरिया है। कौन सा एरिया है, हेलो, कौन सा एरिया, कोला एरिया। कोला एरिया में इन लोगों ने, साइंटिस्ट, जियोग्राफी के जो साइंटिस्ट था, उन्होंने कहा कि नहीं, हम 6378 किलोमीटर हम गड्ढा करेंगे ही करेंगे, यानी कि डिगिंग जरूर करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि हमें इसके अंदर से नॉलेज निकालना है कि आखिर इस धरती के अंदर क्या है, ठीक है। तो जो अटलांटिक ओशंस के जो वो जो जगह था, वहाँ का वो जो कोला एरिया था, उन लोगों ने वहाँ पर डिगिंग करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, हेलो, गड्ढा करना स्टार्ट कर दिया। जब डिगिंग करना जब उन लोगों ने स्टार्ट किया, तो पता है 12 किलोमीटर तक ही साइंटिस्ट लोग गड्ढे किए, हेलो, 12 किलोमीटर तक ही उन लोगों ने गड्ढे किए थे। अब जरा सोचो, 6378 किलोमीटर, और गड्ढे कितने किए, सिर्फ 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, इसमें क्या होने वाला है, कुछ भी नहीं। और साइंटिस्ट लोग क्या थे, बहुत ज़्यादा थक गए थे कि अभी तो हम लोग 12 किलोमीटर ही गड्ढा किए हैं, लेकिन साइंटिस्टों ने क्या कहा, उन लोगों ने हार मान लिया, कहा कि डैट्स इम्पॉसिबल, यह इम्पॉसिबल है कि हम इसके अंदर गड्ढा करें और नॉलेज इकट्ठा करें। इन लोगों ने कहा कि नहीं, हम लोगों को डायरेक्ट नॉलेज नहीं लेना है, हम लोगों को नॉलेज लेना है, इनडायरेक्टली नॉलेज लेना है, ठीक है। इनडायरेक्टली नॉलेज का मतलब क्या हो गया, हेलो, जैसे कि ज्वालामुखी से अगर मैग्मा बाहर आते हैं, उससे नॉलेज लेना, जब जब वो अर्थक्वेक होंगे, जब भूकंप आएगा, तो क्या होगा, फिर दो प्लेटें टकराएंगे, प्लेटें फिर ऊपर की तरफ उठेंगे, तो वहाँ से नॉलेज लेंगे, ठीक है। टेम्परेचर, ये सबसे उन लोगों ने सोचा कि हम लोग नॉलेज इकट्ठा करें, और उन लोगों ने इसी तरीके से नॉलेज लिया है, ठीक है, समझ में आया। तो ये हमारा अर्थ है ना बाबू, ये अर्थ, तो अर्थ को हम इतना सा पार्ट हम बाहर निकाल लेते हैं, क्योंकि यही तो हमारे इंटीरियर हैं चीज़ें, जिसके बारे में हम लोगों को स्टडी करना है, ठीक है, समझ में आया। तो चलिए अब हम लोग इसको स्टडी करते हैं, इसको मैं हटा देता हूँ। कौन सा एरिया है, अटलांटिक ओशन, ठीक है, कोला एरिया, वहीं पर 12 किलोमीटर तक गड्ढा किए थे। 12 किलोमीटर का मतलब समझ रहे हो, यहाँ से लगभग शाहीनबाग तलक, ठीक है, इतना गड्ढा किए थे अंदर की तरफ, ठीक है। उसके बाद वो लोग हार मान गए, और फिर उन लोगों ने कहा कि हम लोग इसको डायरेक्ट, इनडायरेक्टली हम लोग नॉलेज लेंगे, ठीक है, समझ में आ गया। तो अब इस चीज़ को मैं थोड़ा सा इस तरीके से मैं आपको शो कराना चाहूँगा। ये हमारे हैं अर्थ इंटीरियर पार्ट, ठीक है, ये हमारा क्या है, न्यूक्लियस है, बीच का पार्ट। जैसे हमारे बॉडी का बीच का पार्ट क्या है, क्या है बीच का पार्ट, नहीं जानते, अरे ये है, क्या बोलते हैं इसको, न्यूक्लियस ये कहलाएंगे, बीच का, ये तो ये सब के हैं, ठीक है, तो ये बीच का है। ऐसे ही ये हमारा पूरा एरिया है ना, ये अर्थ, अर्थ का ये बीच का क्या है, न्यूक्लियस कहलाएगा, ठीक है। तो ये पूरे में से मैंने ये वाला पार्ट काट कर और क्या कर दिया, यहाँ लेकर आ गया, हेलो, ओ पापा की परी, व्हाट, चौड़ने की शक्ल से नींद आ रही है, मेरी, मुझे भी नींद आएगा तो फिर इन बच्चों को पढ़ाएगा कौन, मुझे भी तो नींद आ रहा है। क्या अब मन फ्रेश हो गया, यहाँ देख लीजिए, हेलो बाबू, बस 5 मिनट, 5 मिनट देख लो,
ये हमारा अर्थ है ना पूरा, मैंने ये वाला पार्ट काट कर यहाँ लेकर आ गया। अब अर्थ मोस्टली पता है ये कितने पार्ट में डिवाइडेड है, तीन पार्ट में डिवाइडेड है। ये वाला एक पार्ट हो गया फर्स्ट, और ये हो गया सेकेंड, और ये हो गया थर्ड। ठीक है, ऊपर वाले को क्या बोलते हैं सर, बोल जल्दी आप बताइए, बोलिए हैं। हाँ क्रस्ट, बहुत अच्छा, इस वाले पार्ट को क्रस्ट बोलते हैं। ठीक है, इसका अगर देखा जाए ना, इसका मतलब ये गड्ढा कितना है क्रस्ट, तो लगभग अप्रोक्स में 35 किलोमीटर है। ठीक है, ये 35 किलोमीटर इसका यहाँ से यहाँ तक गड्ढा है, ये धरती है ना ये अंदर, तो ये 35 किलोमीटर तक है, 35 किलोमीटर। ओके बाबू, समझ में आ गया। क्रस्ट के बाद फिर क्या आते हैं, मेंटल। मेंटल, क्लियर। और सबसे अंदर वाला पार्ट को क्या कहते हैं, बोलो बाबू, कोर। हाँ, समझ में आ गया। अब यहां पर ध्यान दीजिए, ये वाला जो क्रस्ट का पार्ट है ना, पता है कितना है, बहुत ही बारीक है यार, 1% ही ये है क्रस्ट का पार्ट, 1% है। ठीक है, कितने परसेंट है बाबू, 1% है। और ये पता है मेंटल कितना परसेंट है, 83% यार, ये 2900 किलोमीटर भी तो है। समझ में आया, ये जो इसका गड्ढा है ना, ये गहराई इसका नीचे की तरफ, वो कितने हैं, 2900 किलोमीटर हैं, और ये 35 किलोमीटर हैं। समझ में आया, यानी कि ये 83% है ज्यादा, इससे 83% है। और ये कोर वाला पार्ट पता है कितने हैं, बताइए कोर वाला पार्ट कितने हैं, हेलो, कोर वाला पार्ट है, बचे कितने, 1 और 83 84, तो बचे कितने भाई, बोलिए, हैं 16। हाँ ये ना बात रहा, 16%। ठीक है, ये 16% हमारा कोर है। ठीक है, समझ में आ गया। अब ये पूरे को अगर आप जोड़िएगा तो 100% हो जाएंगे, 1% क्रस्ट और 83% मेंटल, और फिर 16% कोर। क्लियर, समझ में आ गया आप लोगों को। ठीक है, और भी कुछ बता दूं, अब यहां पर देख लीजिए, यहां तक सही आ रहा है ना वीडियो, बिल्कुल साफ सुथरा, ये आ गया है, सही है बिल्कुल। अब देख लीजिए, ये जो क्रस्ट जो एरिया होता है, ये किससे मिलकर बना हुआ है, देखिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रस्ट को सियाल कहते हैं। ठीक है, सियाल क्या कहते हैं बाबू, सियाल, यानी कि ये सिलिकन और एल्यूमिनियम से मिलकर बना हुआ है, सिलिका और एल्यूमिनियम। ठीक है, SI का मतलब सिलिका और AL का मतलब एल्यूमिनियम, इसलिए हम लोग इस वाले क्रस्ट को सियाल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और इसका एक और नाम है जिसको बोलते हैं हम लोग लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर लैंड। ठीक है, समझ में आया, क्लियर जैद, अच्छे से चलिए। ठीक है, और देख लीजिए, और ये मेंटल वाला पार्ट है ना, इसको क्या बोलते हैं, सीमा। क्या बोलते हैं बाबू, सीमा। अब इसको देख लीजिए, सीमा एक नाम दिया लड़की का, सी और ये माँ। ठीक है, अब इसे देख लो, SI का मतलब सिलिका और MA का मतलब मैग्नीशियम। ठीक है, तो ये किससे बना हुआ है, सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर मेंटल बना हुआ है। समझ में आ गया, इसको हम लोग एक और नाम से भी जानते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू, पायरोस्फीयर। क्या बोलते हैं बाबू, पायरोस्फीयर। इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, लिथोस्फीयर। इसको पायरोस्फीयर। अब नेक्स्ट समझते हैं हम लोग, कोर के बारे में स्टडी कर लेते हैं। नहीं, नीफे। तो कोर वाले हम लोग पार्ट को किस नाम से जानते हैं, नीफे। नीफे क्यों जानते हैं, क्योंकि ये किससे मिलकर बना हुआ है, निकेल, और Fe का मतलब क्या होता है बाबू, आयरन, यानी कि ये निकेल और आयरन से मिलकर कोर बना हुआ है, इसलिए हम लोग इसको नीफे कहते हैं। समझ में आ गया। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, बेरिस्फीयर। समझ में आ गया। तो ये था हमारा कुछ पार्ट अर्थ इंटीरियर। अब नेक्स्ट इसके सेकंड वाले पार्ट होंगे, जो इसके अंदर भी, इसको भी टू पार्ट में कर दिया गया है, अपर लोअर, इसको भी टू पार्ट में कर दिया गया है, और इसके भी पार्ट में, इसको भी टू पार्ट में कर दिया गया है। तो इसको अगले वाले पार्ट में आपको देखने को मिलेगा। जब तक ले, नमस्कार।